नमस्कार दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर निकाला जाता है। मान्यताओं के अनुसार अच्छे मुहूर्त में काम करने से उस कार्य में दोगुनी सफलता मिलती है और ज्योतिष में भी मुहूर्त को खास महत्व दिया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति किस वार, तिथि और नक्षत्र में काम करता है, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक सभी कार्यों को शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ज्योतिष विद्या की माने तो अगर छोटी छोटी चीजों को भी मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। यही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कर्ज लेने या फिर किसी को उधार देने के लिए भी मुहूर्त का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ज लेने और उधार देने का शुभ मुहूर्त, और साथ ही बताएंगे कि किस मुहूर्त में भूलकर भी कर्जा नहीं लेना चाहिए या फिर देना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि कुछ मुहूर्तों में लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं हो पाता, साथ ही दिया गया उधार भी वापस नहीं मिलता है। ज्योतिष की माने तो हमें हर काम शुभ वार, तिथि और नक्षत्र के मुताबिक ही करना चाहिए। इसके अनुसार किसी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए। इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी से चुकता नहीं होता। अगर उधार ना देने की बात करें तो बुधवार के दिन कभी किसी को उधार ना दें, वरना आपका दिया हुआ पैसा हमेशा के लिए डूब जाता है। तो ये तो बात हुई दिनों की। ज्योतिष शास्त्र में लग्नों का भी बहुत महत्व है। कुछ लग्न शुभ माने जाते हैं तो वहीं कुछ अशुभ। इसीलिए अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो कभी भी चर लग्न में किसी को कर्जा ना दें, वरना आपका उधार दिया पैसा वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर रह जाती है। तो वहीं अगर आप चर लग्न में कर्जा लेते हैं तो आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। कर्ज लेने के लिए ये लग्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन देना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। आगे हम बात करेंगे नक्षत्रों की। भूलकर भी हस्त नक्षत्र में कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में कर्ज का लिया गया बोझ कभी नहीं उतरता। लेकिन अगर आप इस नक्षत्र में कर्ज चुकाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही समृद्धिदायक होता है। इसके साथ ही कर्ज मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में नहीं लेना चाहिए। कर्जा लेते समय हमें योग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग में लिया गया कर्जा कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस योग में भूल कर भी कर्जा ना लें। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें संक्रांति वाले दिन भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन लिया गया कर्जा कभी चुकता नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।